सो नाउ बच्चों, अब हम पढ़ लेंगे एक न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर। आपको पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट समझ में आ जाएगा। बेटा आपको मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर मेरे क्या दिख रहा है, एक आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है। उस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, एक बार थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? लिखा हुआ है आप 25 KVA, मतलब पावर आपको दे रखा है सर 25 KVA, मतलब 25 × 10³ VA। मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। और क्या दे रखा है सर, 2200/220 वोल्ट, मतलब आपको V1/V2 का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, 2200/220 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। सर फ्रिक्वेंसी क्या दे रखा है, सर फ्रिक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज़, ये आपके फ्रिक्वेंसी भी दे दी है। क्या बोला है सर, बोल रहा है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज फॉलोइंग रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ दे रखा है। कौन कौन से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दे रहा है सर, वो दे रहा है सर आरपी। आरपी का वैल्यू क्या दिया है सर, दिख रहा है 0.8 ओम, और आरएस 0.009 ओम, और क्या दे रखा है सर यहाँ पर देखिएगा, एक्सपी ये दे रखा है 3.2 ओम, और क्या दे रखा है सर एक्सएस क्या दे रखा है 0.03 ओम। सर ये वैल्यू आपको दे रखा है, निकालना क्या है सर, निकालना है, कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, मैं देख रहा हूँ बेटा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आर पी वार क्या कैलकुलेट करना है, आर पी वार मतलब क्या है, इक्विवेलेंट प्राइमरी रेजिस्टेंस, क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, ये कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है सर, आर एस बार मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, और क्या रिफर कर, और क्या निकालना है बेटा आपको, निकालना है आर एस बार मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, और आपको निकालना है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। ये चार चीजें निकालनी है बस, ये चार चीजें निकालनी है। तो बस बहुत सिंपल है बच्चे, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, आर पी बार निकालना है सर, आर पी बार निकालना है। ध्यान रखिएगा आर पी बार का फॉर्मूला क्या था, आर पी प्लस आर एस डैश, क्या था सर आर पी बार, आर पी बार देखेंगे, आर पी बार आपका क्या था, आर पी प्लस आर एस डैश, ये था आर एस डैश का फॉर्मूला, क्या था सर आर एस डैश का फॉर्मूला था, क्या था सर एन पी अपॉन एन एस का स्क्वायर इंटू आर एस, यही था, बिल्कुल था सर। कैसे होगा सर देखिएगा, एन पी आर पी डैश, आर पी बार निकालना है, आर पी बार निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, आर एस डैश निकालेंगे, आर एस डैश का फॉर्मूला क्या है सर, एन पी अपॉन एन एस का स्क्वायर इंटू आर एस डैश, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एन पी अपॉन एन एस है, एन पी अपॉन एन एस किसके इक्वल होता है सर, वी वन अपॉन वी टू के इक्वल होता है, तो मतलब हो जाएगा 2200/220 इसका स्क्वायर इंटू आर एस, आर एस हाउ मच इज इट इज गिवन 0.009। बेटा सॉल्व कर लो, जल्दी सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो जल्दी 0.9 ओम आएगा आपका, तो आर एस डैश आ गया, आर एस डैश आ गया भैया, आर एस डैश आ गया, आर पी डैश तो दिया हुआ है, दोनों को यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, डायरेक्ट आपका आर पी बार आ जाएगा, आर पी बार, आर पी बार क्या आ जाएगा जल्दी देखिएगा, आर पी बार आ जाएगा 1.7 ओम। कैसे करेंगे सर, ये होगा 0.9 प्लस 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 ओम आ जाएगा, ये ठीक है बच्चे। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है सर, अब क्या करना है, आर पी बार निकाल लिया, आर एस बार निकालेंगे, आर एस डैश सर एक्स पी बार निकाल लो, एक्स पी बार का फॉर्मूला क्या था सर, एक्स पी बार, एक्स पी बार क्या था, एक्स एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स पी बार एक्स एस डैश और एक्स पी, यही था, एक्स एस डैश का फॉर्मूला क्या था सर, सर एक्सएस डैश जल्दी निकालेंगे, एक्सएस डैश एक्स एस डैश क्या है सर इसका, एक्सएस डैश सर इसका फॉर्मूला क्या था सर, सर यही तो था, यही तो था भैया, एन पी अपॉन एन एस का स्क्वायर इंटू एक्स एस, एन पी अपॉन एन एस सर कैसे करेंगे, एन पी अपॉन एन एस सर 200 इसको यहाँ लिखिए, ये हो गया इसका स्क्वायर इंटू एक्स एस,
एक्सेस कितना है सर, जल्दी करिए सर, 0.03 है आपका एक्सेस डैश आ गया सर, एक्सेस डैश आपको सॉल्व कर लेंगे आपका वहाँ एक्सेस आ जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, जब तक मैं और कुछ कर देता हूँ क्या करना है बेटा, एक्सपी डैश निकाल लेता हूँ। एक्सपी डैश निकालेंगे तो क्या होगा सर, अब एन पी अपॉन एन एस था, हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी, और एन एस अपॉन एन पी था सर, करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, है सिंपल। एन पी अपॉन एक्सपी डैश निकालेंगे तो एन पी अपॉन एन एस डैश का एन एस का स्क्वायर इंटू एक्स पी, एक्स पी दे रखा है 3.2, ये आ जाएगा आपका 0.032 ओम, ये आपका आ गया। आप अभी एक्स पी डैश निकाल लिया, अब क्या बचा बेटा, एक्स पी डैश निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ भैया, आपने एक्सेस डैश निकाल लिया, एक्सेस डैश निकालेंगे यहाँ पर पुट करेंगे एक्स पी आर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स एस वार निकालना है तो फॉर्मूला होगा एक्सेस एक्सेस प्लस एक्स पी डैश, आपने एक्स पी डैश निकाल लिया है बेटा, एक्सेस आपको दिया हुआ है इसमें ऐड कर दीजिएगा, एक्सेस डैश बाहर आ जाएगा, बहुत क्लियर है। इसका वैल्यू आपका कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 0.062 ओम, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब बचा क्या है, बचा क्या है भैया देख लो एक बार सर, आपने आर पी बार निकाला, आर पी बार निकल गया, आर एस बार रह गया है सर, आर एस बार रह गया है, आर एस बार को थोड़ा सा देखेंगे बेटा, आर एस बार ध्यान दीजिए, आर एस बार कैसे निकालेंगे सर, वही तो चीज थी सर जो मैंने बताया था, क्या बताया था भैया, आर एस प्लस आर पी डैश, आर एस प्लस आर पी डैश कैसे निकालेंगे सर, आर पी डैश का फॉर्मूला क्या होगा सर, आर पी डैश जल्दी बताओ बच्चों, एन आर पी है यहाँ पर एस था तो पी ऊपर था, यहाँ पर पी है तो एन एस एस ऊपर हो जाएगा, एन एस अपॉन एन पी का स्क्वायर इंटू आर पी, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा आगे और चलेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 220 अपॉन इसका स्क्वायर इंटू आर पी, आर पी कितना है बेटा जल्दी बताओ, आर पी है 0. इसकी जगह आप वैल्यू पट कर दीजिए 0.80। अब आप देखिएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर पी डैश आपका आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आर पी डैश आ जाएगा 0.008 ओम, कर लीजिएगा सॉल्व आ जाएगा। आप निकालना क्या है सर, सर आर एस बार निकालना है, आर एस बार क्या होता है, आर एस बार होता है सर आर एस प्लस आर पी डैश, आर पी डैश निकाल लिया, आर एस आ जाएगा यहाँ से निकालोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा भैया, आर एस बार भी आ गया, आर एस बार आ गया, सब कुछ हो गया, क्लियर है, अब तो सब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। कभी भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, और इस न्यूमेरिकल को एक बार अपनी कॉपी में करके देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको ओनली चार फॉर्मूले याद रखने हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, मैं जिस पर गोला मार रहा हूँ बेटा वो आपको याद रखना है फॉर्मूला, बस इतना ध्यान रखोगे आपका काम बन जाएगा, रटना नहीं है, रटना नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर ये रखा, एक्सेस डैश निकालना है तो सर एन पी अपॉन एन एस का स्क्वायर, मतलब एस यदि यहाँ पूछा है तो यू पी ऊपर होगा, पी एफ अपॉन एस कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका एक्सेस एक्सेस हो जाएगा, बस ये ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, बहुत सिंपल है, कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत से बच्चे डर जाते हैं, अरे सर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे करेंगे, बच्चे इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ ही नहीं है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, है ना।